हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। बहुत अच्छी वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। पद का नाम है एजुकेशन ऑफिसर। लोक सेवा आयोग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी यहाँ पर 80,000 आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं बेसिक पे ही आप लोगों को बताऊँ, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे 61,000 से अधिक तो बेसिक पे है। तो चलिए सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखें, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। यहाँ पर लिखा है कि जिन सब्जेक्ट से बीएड कोर्स किया जाता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, जब आप एडमिशन लेते हैं बीएड में, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपने मास्टर डिग्री किया है फर्स्ट या सेकंड क्लास से, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है वो बीएड की डिग्री जो है नहीं चाहिए, ठीक है। बीएड डिग्री जो है यहाँ पर नहीं मांगी गई है। जो बीएड कोर्स में सब्जेक्ट होते हैं उससे आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर मान्य होगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है। दोबारा से मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन में फर्स्ट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट सुटेबल फॉर एडमिशन इन बी एड कोर्स। बी एड कोर्स के अंतर्गत जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है, अब बी एड में जब भी एडमिशन लेते हैं तो हम वही सब्जेक्ट लेते हैं जो हमने 11th 12th में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुल 38 पदों पर यह वैकेंसी आई है, डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है निकाली गई है। पे स्केल जो है यहाँ पर बेसिक पे ही जो है 61,000 से अधिक है, इससे लेकर 1,51,370 ये सैलरी है। सैलरी आप काफी अच्छी है, ऑफिसर का पद है। और कोई भी मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है किसी भी सब्जेक्ट से जिसके लिए जो है आप बीएड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, 18 से लेकर 42 साल तक के जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 29 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से जो है देखिएगा, ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST BC EWS PWD, इनको जो है एज रिलैक्सेशन भी जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। और भी चीजें देख लेते हैं। एज मैंने आपको बता दी 18 से 42 साल है। SC ST BC और EWS की 5 साल की छूट है। PWD को 10 साल की छूट है, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है पूरा जो है स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ फीस की अगर हम बात करें, ज्यादा फीस नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट पे ₹250, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है, और 120 एग्जामिनेशन फीस है, यानी यहाँ पर जो है आपका एग्जाम होगा। ऑफिसर का पद है, काफी अच्छी जो है वो सैलरी है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्जाम भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनकी जो है वो एप्लीकेशन फीस जो है ये रहने वाली है 370। तो ज्यादा फीस भी नहीं है ऑफिसर के पद के लिए। और जो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर 120 आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पर केवल ली जाएगी SC ST BC PWD एक्स सर्विसमैन से, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस क्या रहेगा, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और दूसरा मेन एग्जाम होगा। सेंटर भी जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के यहाँ पर ही जो है आप लोगों को जाना होगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। ये जो है कुल जो है वो 13 सेंटर बनाए गए हैं। तो जब अच्छी वैकेंसी आती है, सरकारी नौकरी होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को दूर भी जाना पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय में अगर परमानेंट जॉब की बात करें तो वहां पर भी जो है आप देखते हैं बहुत दूर दूर जो है टीचर्स को भेज दिया जाता है, ट्रांसफर काफी दूर हो जाते हैं। तो अगर जॉब पानी है तो दूरी बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और मेन एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस भी जो है दिया हुआ है, और इन्होंने बताया है कि OC यानी कि
जो जनरल कैटेगरी में आएंगे स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस 40% जो है मार्क्स यहाँ पर लाने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। बैकवर्ड क्लासेस को 35%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 30% जो है यहाँ पर लाने होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो ये जो है जोन में बांटा गया है इनको, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी है, कुल पदों की संख्या तो 38 ही है अभी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कीम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे, 150 ही जो है मिनट रहेंगे, ठीक है। मिनिमम जो मार्क्स कितने चाहिए वो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे। ये तो रहा स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। और डिग्री स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी जो 150 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर जो है मेजर करंट इवेंट, जनरल साइंस, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया की और आंध्र प्रदेश का, थोड़ा बहुत जो है जीके पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ डाटा एनालिसिस जैसे कि मीन मीडियन मोड इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर तो आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अभी जो है स्कीम फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं वही आपका यहाँ पूछा जाने वाला है। पेपर वन जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट के रहेंगे। उसके बाद जो पेपर टू होगा ये होगा आपका एजुकेशन वन, पेपर टू होगा एजुकेशन टू। जैसे अगर बीएड किया हुआ है आपने तो आपको पता होगा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, एजुकेशनल फिलोसॉफी रहता है, ठीक है, फिलोसॉफिकल रहता है, तो यही जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है कुल 450 मैक्सिमम मार्क्स का रहेगा। ये भी जो है पूरा दिया हुआ है सिलेबस, जैसे कि एजुकेशन वन यही जानना चाहते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है क्या पूछा जाएगा। तो ये सब जो है आपने पढ़ा होगा अगर आपने बीएड किया है, या फिर किसी ने मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में किया है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल, फाउंडेशन, एजुकेशन, सारे वही टॉपिक हैं, आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, गांधी, टैगोर, अरविंदो, सोशलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये तो अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं तो ये सभी ने ही पढ़ा है, कोई भी इससे नहीं छूटा है, वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, ठीक है, ये सभी हैं। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी सैलरी है, ऑफिसर ग्रेड की जो है ये सैलरी है 61,960, तो बेसिक पे ही रहती है यहाँ पर, ठीक है, ये सैलरी है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले जो है आप लोग क्या करेंगे, मेन वेबसाइट पर आएंगे। मेन वेबसाइट पर जो है आप लोगों को यहाँ नोटिफिकेशन में आना है। नोटिफिकेशन में आप लोगों को देखना है, ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर 14/2023, ये आपको देखना है। अभी बहुत सारे जो है यहाँ एडवर्टीजमेंट आ गए हैं, बट आपको देखना है 14/2023। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो लाइन है इसमें आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पर, स्टेप वन, स्टेप टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप आराम से जो है अप्लाई कर सके। ये देखिए पेमेंट का जो प्रोसेस है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से जो है आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इनको जो है आप धीरे धीरे जो है वो पढ़ेंगे, और आप लोगों को हर चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कहाँ पर आपको क्लिक करना है, कहाँ पर जो आप लोगों को सेव करना है, सबमिट करना है, पेमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कैंडिडेट ने अगर मास्टर डिग्री की है फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, तो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। थैंक यू।